दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम ये वाल फैन को रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जाम है, बिल्कुल जाम है दोस्तों, देख रहे हैं ये घूम नहीं रहा है। इसको पावर देके आपको दिखाते हैं। यहाँ से सीरीज पे पावर देंगे तो ये घूम घूम बोल रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, रनिंग नहीं कर रहा है। तो इसी को आज ठीक करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पीछे का जो छोटा सा मोटर है ये स्विंग कराता है, यहाँ पर एक स्क्रूप होता है, इसको खोल लेंगे खोल के। और इसको यह हैंडल है जो छोटा सा, ये को निकाल लेंगे। और इसके बाद हम ये इसमें चार स्क्रूप होता है चारों कॉर्नर पर, एक दो तीन चार, इसको बारी बारी खोलेंगे। यहाँ से चारों को खोल के ये बोल्ट को निकाल देंगे। और निकाल के दोस्तों इसका ये कॉइल खींचेंगे हल्के हाथ से धीरे धीरे। और ये जो कॉइल फील्ड है इसको आराम से निकालेंगे, यहाँ से इसको निकाल के अलग कर लेंगे। और उसके बाद ये रूटर जो है दोस्तों इसको निकालेंगे। तो इसके लकड़ी की हथौड़ी से हल्का हल्का इसको मारेंगे यहाँ पे, थोड़ा ये आधा बाहर हो जाएगा। और उसके बाद ये ऊपर पिन लगी होती है यहाँ जो ब्लेड को रोकती है, जो पंखी होती है उसको रोकने के लिए। तो इस पिन को यहाँ से दबा के हम यहाँ पिन इसको दबाएँगे और इसको फिर हल्के हाथ से खींचेंगे, यहाँ से खींच के बाहर करेंगे। ये निकल गई। और उसके बाद ये हम रूटर को बाहर करेंगे और आपको दिखाते हैं इसमें जो बैरिंग है दोस्तों ये बिल्कुल जाम है। ये जो बैरिंग है दोस्तों ख़राब हो गई है, ये तो बिल्कुल जाम है जिसके कारण ये चल नहीं रहा है, रनिंग नहीं रहा है। नीचे वाली ठीक है, ये जो ऊपर वाली बैरिंग है ये बिल्कुल जाम है। तो इसी को चेंज करके इसमें नई लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये नई बैरिंग हमने लगा लिया है दोस्तों, अगर आपको निकालना है लगाना है उसको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो उसको अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये हम अब इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वायसर इसमें लगा देंगे और इस रूटर का लंबा वाला जो है इसको अंदर करेंगे और इस कॉइल फील्ड को यहाँ पे बैठाएंगे बराबर। और ये ऊपर का प्लेट बैठाएँगे और इसको अच्छी तरह से बराबर स्क्रूप मिला के, जो होल हो स्क्रूप का मिला के इसको बराबर बैठाएँगे। और बैठा के इसको सीधा करके इसे लकड़ी की हथौड़ी से इसको हल्का हल्का मारेंगे ताकि बैरिंग बैठ जाए घाट में। ये हो गया। अब इसमें चारों स्क्रूप था, इसको चारों स्क्रूप को हम बारी बारी यहाँ पे लगा देंगे और लगा के इसको अच्छी तरह से चारों को टाइट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा तो आपका फ्री हो जाएगा बराबर। और इसको सॉफ्ट घुमाएँगे, देख रहे हैं बिल्कुल फ्री, ओके। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर यहाँ से पावर देंगे, देख रहे दोस्तों बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, चलने लगा। इस तरह से आप अपने वॉल फैन को जो जाम प्रॉब्लम है ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा से कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।